हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग खरीद से होंगे। मैं भी खरीद से हूँ और अभी मैं रहमानाबाद स्टॉप के थोड़ा सा अंदर एक गली है वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर जुम्मे के रोज़ यूज्ड कार का बाज़ार लगता है। मेरे पीछे कार्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी कार्स हैं, यहाँ पे भी कार्स हैं। यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल रेट पर कार्स मिल जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर शोरूम के ऑनर्स भी अपनी कार्स को ऑक्शन के लिए लाते हैं। और जो आम लोग हैं मेरी तरह, आपकी तरह, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं अपनी कार्स को बेचने के लिए। तो अभी मैं कुछ कार्स का रेट पूछूंगा ताकि यहाँ के जो रेट्स हैं उसके बारे में आपको भी बहुत पता चल सके और मुझे भी पता चल सके। तो चलते हैं गाड़ियों के रेट्स की तरफ। कौन सी कार है भाई ये? ये आल्टो है जापानी। कौन सा मॉडल है? 2012 मॉडल, 15 इम्पोर्ट है, 17 रजिस्टर्ड है। तो कितनी चली हुई है ये? चली हुई 80,000-90,000 होगी तकरीबन। ठीक है, और क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड है 10,500। और वैसे ये नहीं कितने की होगी? नहीं यार, ये 11,000-11,500। तो ये जापानीज है के? जापानीज है। ठीक है, ये कौन सी है? ये कल्टस है, 2006 मॉडल। ठीक है, ये कितनी चली है? ये 1.5-2 लाख होगी तकरीबन। मॉडल कौन सा है? 2006 मॉडल। और इम्पोर्ट? इम्पोर्ट नहीं, ये पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी है, जापानीज नहीं? नहीं। ठीक है, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 5,70,000। 5,70,000। ठीक है, और ये वाली? ये भी कल्टस 2007। ये भी जापानीज नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी। ठीक है, कितने सीसी का इंजन है इसका? इसका 1,000 सीसी। ठीक है, और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 6,10,000। 6,10,000। ठीक है, ये भी कल्टस 2006 मॉडल। 6 मॉडल। ठीक है, ये कितनी चली है? कितनी चली? ये 85 चली है। 85 चली है। ठीक हो गया, और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 5,70,000। 5,70,000। ठीक हो गया, ये प्लिनो है, 2001 मॉडल। 2001 मॉडल है। ये कितने सीसी है? ये भी 1300। 1300 सीसी। ठीक है, और ये कितनी चली होगी? वैसे काफ़ी पुरानी है। दो लाख। इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसकी 5,50,000। ठीक है, और ये कल्टस 6 मॉडल। 2006 मॉडल। ये 1,000 सीसी। ये भी 1,000। ये भी जापानीज नहीं है, साथ ही पाकिस्तानी है। 6.5। ठीक है, इसकी 6.5 लाख। ठीक है, ये कौन सी है? ये एक्सी क्रोला टोयोटा। ठीक है, ये मॉडल कौन से? ये 98। ये वाला मॉडल तो बड़ा बिकता है, कह रहा हूँ ये वाला मॉडल तो बड़ा बिकता है आज भी। जी, ये कितने चला होगा? कितनी गाड़ी चली है? ये 1600। ये चली कितनी होगी? कौन सी कितनी चली? ये चली हुई है तकरीबन 2.5 लाख। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 8,80 डिमांड है। 8,80,000। ठीक है, ये 2008 मॉडल। ठीक है, ये कितनी चली है? ये 85,000। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 7,30,000। 7,30,000। ये मेरा कौन सा मॉडल है? 2016। इसमें CNG वाला सिस्टम है? नहीं, AC है। CNG? AC पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल पे है। ठीक है, और ये कितनी चली है? ये चली है। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस डिमांड है? इसकी 7,10,000। 7,10,000। ये कौन सी कार है भाई? ये होंडा है। सिविक है? जी, सिविक। ठीक है, ये कौन सा मॉडल है? 2003 मॉडल। और ये कितनी चली होगी? ये चली है 1,10,000। ठीक है, इसकी क्या डिमांड कर? इसकी 8,500। ठीक है, ये जिसका खुला हुआ सिस्टम, ये कौन सी है? कल्टस। ठीक है,
ये मॉडल कौन सा है? ये 2009 मॉडल। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? इसकी 8 लाख 16 लाख 8 लाख 10 हज़ार। 8 लाख डिमांड। नो मॉडल। ये कौन सी कार है? होंडा सिटी है। होंडा सिटी मॉडल 11 मॉडल। और ये कितनी चली है? कितनी माइलेज है इसकी? 78। ठीक है, इसकी गाड़ी मार कर रही है? इसकी 14.5 लाख। ये मेरा कौन सा मॉडल है? 2006 मॉडल। ठीक है, वैसे कितने सीसी होता है? 660 800 सीसी होती है। ठीक है, और ये कितनी चली होगी? लाख 1 चली होगी। और इसकी क्या प्राइस डिमांड है? इसकी 4.5 लाख। ये कौन सा मॉडल है? वेट्स है। ये जापानी है ना? ठीक है, और ये कितनी चली होगी? कितनी डिमांड कर रहे हैं इसकी? 13 डिमांड। 13 लाख। ठीक हो। ये कौन सा मॉडल है जी? 11 मॉडल। मेहरान। पैसे कितनी है? और इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? 5.5 लाख। ठीक हो गया। और ये बैरी डब्बा, ये किस रंग के? मतलब कौन सा मॉडल है? 89 मॉडल। जी, इसमें मसले मसाइल तो नहीं है कोई? नहीं नहीं। अच्छा, ये जापानी है कि पाकिस्तानी है? कैरी डब्बा, सुजुकी कंपनी। इसकी कितनी डिमांड कर रहे हो? इसकी 3 लाख। ठीक हो गया। और ये मेरा 10 मॉडल। 10 मॉडल, ठीक है। इसकी क्या डिमांड है? 5.5 लाख। ये कौन सी है? और ये मॉडल कौन सा है? 7 मॉडल है। 5.5 लाख डिमांड है। और ये? और ये 2D सैलून है, डीजल। डीजल भी है जी। 2003 मॉडल है। 9 लाख डिमांड है। 9 मॉडल है, होंडा रिबॉर्न। होंडा रिबॉर्न और इसकी प्राइस? 8 मॉडल है 13 लाख। 2008 मॉडल है 13 लाख। ये कौन सी कार है जी? ये अल्टो है, VXR। और ये किस साल की गाड़ी है? ये सुजुकी कंपनी। नहीं, मेरा मतलब मॉडल कौन सा है? मॉडल 2004। ठीक हो गया। ये CNG पे है कि पेट्रोल? CNG, AC। ठीक है, पेट्रोल और CNG दोनों पे चलती है। ठीक है, और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 5.5 लाख। ठीक है। ये प्लिनो भी आ गए। ये कौन सा मॉडल है? ये 99 मॉडल। और ये भी पेट्रोल है? ये पेट्रोल, गैस, CNG और पेट्रोल दोनों है। दोनों। इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं? इसकी 5 लाख डिमांड है। 5 लाख। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो मैंने आपको गाड़ियाँ दिखाई हैं, ये मेरे दोस्त का शोरूम है जो कि रेंट कार का बिज़नेस भी करते हैं और बाय एंड सेल का भी करते हैं। तो इसके पास भी कुछ कार्स पड़ी थी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर, तो मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और काफ़ी कार्स के मैंने आपको जल्दी जल्दी में रेट बताए, क्योंकि आप कहते हैं जी कि जल्दी जल्दी हमें ढेर सारी कार्स के बारे में बताया करें, इसीलिए मैंने जो है सिर्फ रेट्स के बारे में पूछा है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं किया। अब मैं आगे जा रहा हूँ और जो आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कार्स बेचने, उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं अपनी कार्स की। अच्छा जी, ये मेरान है, इसका रेट पूछते हैं। कितने का मॉडल है ये? 2006 मॉडल है, 7 डिजिटल। और चली कितनी है ये? ये 96,000। ठीक है, और कितनी डिमांड कर रहे हैं? 470। कितनी? 470। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये कैरी डब्बा भी खड़ा हो गया यहाँ पे, इनकी प्राइस पूछते हैं। कौन सा मॉडल है सर ये? 2000 मॉडल। और कितनी चली हुई है? कम। कितनी डिमांड कर रहे हैं? 4 लाख। अच्छा, तो ये था जी जुम्मा बाज़ार गाड़ियों का, जो कि रहमानाबाद पे लगता है। और रहमानाबाद से थोड़ा सा आपने एंटर होना है अंदर की तरफ। एंटर होंगे तो जैसे ही आप रोड देखेंगे वहाँ पर कार्स होंगी। फिर थोड़ा सा आप और अंदर चले जाएंगे मजिस्ट्रेट कॉलोनी की तरफ, वहाँ पे भी कार्स का ढेर पड़ा होगा और काफ़ी रीज़नेबल रेट पर यहाँ पे कार्स मिल जाती हैं। और मैं गाड़ियाँ नहीं कर पाया क्योंकि मैं लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे स्पेक्स बताएं और रेट बताएं अपनी कार्स के,
लोग जो हैं वो नर्वस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे नहीं होगा, हम कैमरे के आगे बहुत ही नर्वस हो जाते हैं तो हम मतलब नहीं बता सकते। बाकी बहुत बड़ा बाजार है, काफ़ी सालों से ये लग रहे हैं। हम छोटे होते थे, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, हम ना हर जुमे हफ्ते इतवार को ना जाते होते थे मैच खेलने। तो जुमे को जब हम इधर से गुज़रते थे, यहाँ से हम जाते थे कमर्शियल मार्केट में, पार्क है छोटा सा पार्क है, वहाँ पे जाते थे। तो यहाँ से जब हम गुज़रते होते थे तो ढेर सारी कार्स होती थी और सारे यहाँ पर आके अपनी कार सेल कर रहे होते थे, शोरूम वाले भी और जो आम लोग हैं वो भी, जैसे कि अभी भी यहाँ पे कार सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आके मुझे अपने वो वाले दिन याद आ गए जब हम मैच खेलने जाते होते थे दोस्तों के साथ, कुछ कज़न होते थे, कुछ दोस्त होते थे और हम इसी रोड से यहाँ से घूम घुमा कर जाते होते थे। बाकी बाज़ार एक काफ़ी बड़ा है और यहाँ का ये है कि काफ़ी रीज़नेबल रेट पर आपको हर कार मिल जाती है, आपको FX मिल जाती है, मेहरान मिल जाती है, ऑल्टो मिल जाती है, होंडा सिविक मिल जाती है, कैरी डब्बे मिल जाते हैं, मतलब हर किस्म की कार यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और अगर आप इंडिया इस्लामाबाद में और आपने सस्ती कार खरीदनी है तो आप इस जुमा बाज़ार में ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर कार्स के रेट चेक करें, गाड़ी पसंद आए तो ले लें। और जो स्टार्ट में मैंने कार्स की वीडियो बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो दोस्त का शोरूम था और दोस्त के शोरूम में मैं गया था, उसके बाद काफ़ी कार्स पड़ी हुई थी तो उसके मैंने आपको रेट्स दिखाए हैं। उसके शोरूम की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर उनमें से आपको कोई कार पसंद है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कार ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो और मैं बड़ा थक चुका हूँ और मौसम भी सही हो गया है, बादल आ गए हैं हल्के हल्के, सुबह तो गर्मी थी। बाकी ये थी जी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।